नमस्कार, आप देख रहे हैं एलो मिस्ट्री चैनल। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। ये कहना गलत नहीं होगा कि वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान एक राष्ट्र की है, जो कदम कदम पर कोई ना कोई चमत्कार देखने को यहाँ मिल जाता है। वैसे बहुत हद तक यह बात भी सही है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि चमत्कारों से जुड़ी जितनी कहानियाँ विश्व के सभी देशों से मिलाकर बनती हैं, उतनी या उससे ज़्यादा अकेले भारत की भूमि पर ही घटित हो जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ हमारे पौराणिक काल में घटित हुई थी, तो कुछ वर्तमान समय से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ मात्र संयोग हैं, तो कुछ वाकई ये सोचने को मजबूर कर देती हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है। चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानियों के बारे में बताते हैं जो एक सवाल बनकर उभरी हैं, जिनका जवाब विज्ञान भी नहीं दे पाया। इस श्रेणी में सबसे पहले बात करते हैं जुड़वा बच्चों के गांव के बारे में। केरल के कोंधनिंग गांव का, जिसमें करीब 2000 परिवार रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मामूली से जनसंख्या वाले इस गांव में ऐसा क्या है, तो हम आपको बता दें कि मात्र 2000 परिवार वाले इस गांव में लगभग 250 जुड़वा बच्चों के जोड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, ये आंकड़ा तो बस आधिकारिक है, क्योंकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह संख्या 250 नहीं बल्कि 350 है। हैरानी की बात यह है कि जुड़वा बच्चों की यह गिनती हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस बात का जवाब स्वयं डॉक्टरों के पास तक नहीं है। डॉक्टरों का मानना है कि या तो ये लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं, या फिर से कोई अनुवांशिक क्रिया है। प्रमाणिक जवाब नहीं मिल पाने के कारण जुड़वा बच्चों का यह गांव एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अब चलते हैं दूसरी अनोखी बात की तरफ, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके। ये है जोधपुर का धमाका। 18 दिसंबर 2012 की अर्धरात्रि के समय जोधपुर के लोगों को एक तीव्र धमाके की आवाज़ ने डरा दिया। लेकिन यह धमाका कहाँ हुआ, आवाज़ किस चीज़ की थी, यह आज तक पता नहीं चल पाया। यह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जोधपुर का धमाका आज तक एक सवाल ही है। अगर उस दिन यह रहस्यमय धमाका केवल जोधपुर में हुआ होता, तो शायद इसे एक इत्तेफाक मानकर नज़रअंदाज कर भी दिया जाता। लेकिन इसी तरह का रहस्यमय धमाका इंग्लैंड से लेकर टेक्सास तक हुआ। यह सब करीब एक महीने तक चला, लेकिन किसी को इस धमाके का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। अब बात करते हैं 9 रहस्यमय लोगों के बारे में। 9 लोगों की यह रहस्यमय सोसाइटी सबसे पहले 273 ईसा पूर्व अस्तित्व में आई, जब लाखों लोगों को रक्त बहाने के बाद स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी स्थापना की। इन 9 लोगों का काम उन जानकारियों और विद्या को गुप्त रखना था, जो अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो तबाही मचा सकती थी। हर कालखंड में ये 9 लोग तो बदलते गए, लेकिन इनकी संख्या हमेशा 9 ही रही। ये 9 लोग जनता के बीच में रहते, लेकिन अपनी पहचान छिपाकर। इन्हें संसार भर में बड़े ओहदों पर बड़ी जिम्मेदारियां निभाने के लिए भेजा जाता था। कहते हैं भारतीय स्पेस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और 10वीं शताब्दी के पोप सिल्वेस्टर द्वितीय इसे सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा थे। अब आती है रहस्यमय बात, ताजमहल विवाद। खूबसूरती की मिसाल बन चुके ताजमहल को दुनिया भर के लोग शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज की कब्र के रूप में जानते हैं। लेकिन क्या वाकई ताजमहल एक कब्र है? इस सवाल का जवाब एक विवाद बन चुका है, क्योंकि इतिहासकार PNO के अनुसार ताजमहल अपने मौलिक रूप में तेजो महालय नामक एक शिव मंदिर था, जो करीब 300 साल पुराना है। PNO ने अपनी थ्योरी में यह प्रमाणित किया है कि शाहजहां ने बस इस मंदिर पर कब्जा कर उसे मुमताज की कब्र का नाम दे दिया था, जबकि असल में ये एक हिंदू मंदिर है। इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि सरकार की ओर से इसे बंद दरवाज़ों के पीछे छिपे रहस्य को ना समझा जाए। अब बात करते हैं कुलधरा का श्रापित गांव के बारे में। करीब 500 साल पहले 1500 लोग कुलधरा गांव में रहते थे, लेकिन एक रात अचानक पूरा गांव बिल्कुल खाली हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लोग मर गए या उन्हें अगवा कर लिया गया, बस वे भाग गए। कहा जाता है कि एक अत्याचारी जमींदार के खौफ की वजह से उन्होंने रातों रात यह पूरा गांव खाली कर दिया। जाते जाते वे लोग इस गांव को एक ऐसा श्राप दे गए जो आज भी इस गांव की बर्बादी कहता है। वह श्राप था कि जो भी रात के समय इस गांव में रुकेगा, वो वापस नहीं जा पाएगा।
तब से लेकर आज तक कोई भी व्यक्ति एक रात के लिए भी यहाँ नहीं रुका, और जो रुका वह सुबह तक का सूरज नहीं देख पाया। दोस्तों, मुझे पता है कि आपको ये सभी बातें बड़ी दिलचस्प लग रही होंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है, इनका जवाब विज्ञान वाले भी नहीं दे पाए। अब बात करते हैं भूत बिल्ली की दहशत के बारे में। पुणे की सड़कों पर रात के समय एक ऐसा जीव दिखाई देता है जो बिल्ली, कुत्ते और नेवले का मिश्रण है। चश्मदीद गवाहों के अनुसार चौड़ी पूंछ और डरावनी आंखों वाली यह बिल्ली बेहद डरावनी है, जिसका चेहरा कुत्ते और पीठ नेवले के समान है। पुणे में कई ऐसे किस्से भी हैं जहां लोगों ने भयानक शरीर वाले राक्षस को देखने की बात भी कही थी। अब ये बिल्ली वहाँ है या नहीं, ये तो वहाँ के लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने इसको महसूस किया हो, देखा हो। अब बात करते हैं पुणे जन्म की कहानी के बारे में। साल 1930 में एक संपन्न और भले परिवार में शांति देवी का जन्म हुआ था, लेकिन जब वे महज 4 साल की थी तभी उन्होंने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और कहने लगी कि ये उनकी असली माँ बाप नहीं हैं। उनका कहना था कि उनका नाम लुगदी देवी है और बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति और परिवार से संबंधित कई और जानकारियाँ भी देने लगी थी। जब उन्हें उनके कहे हुए स्थान पर ले जाया गया तो उनकी कही गई हर बात सच निकलने लगी। उन्होंने अपने पति को पहचान लिया, अपने पुत्र को देखकर उसे प्यार करने लगी। कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में शांति देवी की कहानी प्रकाशित हुई। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी शांति देवी से मिले। शांति देवी को न सिर्फ अपना पूर्व जन्म याद था, बल्कि उन्हें यह भी याद था कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले भगवान कृष्ण के साथ बिताया गया उनका समय कैसा था। उनका कहना था कि वह कृष्ण से मिली थी, कृष्ण चाहते थे वह अपने पूर्ण जन्म की घटना सबको बताएं, इसीलिए शांति देवी को हर घटना याद है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया लेकिन कोई भी शांति देवी को झूठा साबित नहीं कर पाया। साथ ही ये सच्ची घटनाएं थी भारत के बारे में जो रहस्यमय बनी हुई हैं। इनके ऊपर वैज्ञानिक भी सर्च कर रहे हैं, पर वैज्ञानिक भी इनका जवाब देने में असमर्थ हैं। अगर आप चाहते हैं और भी बहुत सारी रहस्यमय बातें जानना तो हमारे चैनल एलो मिस्ट्री को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।